बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? यकीनन सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम असद ख़ान और मेरे साथ हैं जी चांद भाई। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो दोस्त हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं। तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। ऐसी सपोर्ट करते रहिए ताकि आप दोस्तों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहें। और अभी बात कर लेते हैं आप दोस्तों के ही जो है वो फीडबैक की। काफ़ी सारे दोस्तों के जो है वो कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि आपकी जो है वो वीडियोस नहीं आ रही चांद भाई के साथ। तो जी चांद भाई आ चुके हैं मेरे साथ। चांद भाई बताइएगा कि कहाँ आप जो मेरा बिजी थे। थोड़ा मसला बना हुआ था, कुछ मसरूफियत भी थी और थोड़ी जो है वो तबीयत भी अपसेट थी, जिस वजह से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था। तो अभी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कंटिन्यू बिल्कुल करें। और हमारा कुछ काम ही इस तरह का है कि हमारे साथ जब हम लोकेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती हैं जिनमें अक्सर औकात जो हमें वो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ जाता है। उसके लिए आप दोस्त जो है माशाल्लाह समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर तो बिल्कुल कोई ऑफिस वर्क को बंदा आराम से बैठा है उसमें तो चलो भाई कोई नहीं इतना मसला होता, लेकिन हमारा तो काम ही इस तरह का है कि आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि थोड़ा कंटिन्यू करेंगे वीडियोज़ को। सही है जी। और अभी कर लेते हैं जी लोकेशन की बात। तो इस टाइम हम जिस लोकेशन पर मौजूद हैं इसकी जो डिटेल्स है कुछ आप दोस्तों को बता देते हैं, बकाया जो है वो अंदर जाकर आप दोस्तों को बताएंगे। क्योंकि इस लोकेशन पर जो हमें बताया गया है जो मामला आते हैं वो काफ़ी टफ़ हैं, हमारे लिए एक चैलेंज है। जो इस लोकेशन के मालकान हैं उन्होंने हमें एज़ ए चैलेंज ये लोकेशन दी है, तो हमारे लिए एक चैलेंज है। तो इसलिए जो है वो इस लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन तो हमने जो है वो करनी ही करनी है। उसके साथ एक चीज़ और है कि जिन अपना मालकान इस लोकेशन के जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलवाया है, एक छोटी सी गलती जो है उनकी जान भी ले सकती है। जो इस लोकेशन के ओनर है ना, अगर हम कोई ऐसी कोई गलती वहाँ कर देते हैं तो बकाया डिटेल्स हम अंदर बताएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी, पर मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर कोई गलती हमसे हो गई तो उनको जो है वो काफ़ी जानी नुकसान भी पहुँच सकता है। तो ये इसका मेन पॉइंट है और इससे आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि कितनी ये हमारे लिए एक जो है वो टफ़ लोकेशन है। तो बस दुआ कीजिएगा ताकि हम जो है वो थोड़ी डिटेल इसको बता देते हैं आप दोस्तों को कि ये जो घर है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, न्यू घर बन रहा है उनका। लेकिन उस पर जो है वो एक आमिल है, बाबा है, जिसने कब्ज़ा किया हुआ है। तो काला जादू वगैरह करता है वो, और उसने उनकी फैमिली पर भी बकायदा जो है वो जादू किया हुआ है। और उसने उनको ये चीज़ सीधी क्लियर जो है वो धमकी दी हुई है कि अगर तुम लोगों ने इस घर को आगे जो है वो कंस्ट्रक्शन अपनी कंटिन्यू की तो मैं आपके जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं एक एक करके सबको ख़त्म कर दूंगा। और उसके पास जो है हथियार क्या है, हथियार ये है कि वो काला जादू का माहिर है, बहुत पुराना है। वो बता रहे हैं, उनका बताना है कि बहुत पुराना जादूगर है। और उसका ये कहना है कि वो जो घर है वो मेरा है, तो तुम लोग मेरे घर को जो है वो छोड़ो। और जो मालिक है ना, जो हकीकी में इसके मालिक हैं, तो उनका कहना है कि हम बहुत तंग हैं और हमने काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी बुलाया है, लेकिन चलें चांद भाई बाकी जो है वो हम दोस्तों को साथ साथ लोकेशन दिखाते हैं। और आवाज़ जो भी है आई वो है, पता नहीं आप बिल्कुल, तो ये आप दोस्तों की ही जो है वो डिमांड होती है कि जो इंट्रो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, कम से कम जो है किया करें। तो इसीलिए जो है हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जो है लंबा हम ना करें इंट्रो, और बकाया जो डिटेल्स है वो आप दोस्तों को हम बताते हैं। ठीक है चांद चले। भाई, चांद भाई ये दिखा दे, ये गिरा जो है सामने। अच्छा अभी हमने जब इंट्रो किया है उसके बाद जब हमने कैमरा उठाया ना, कैमरा उठा रहे थे पीछे से ये चीज़ गिरी है। ये चारा काटने वाला ब्लेड है ये गिरा है, और शुक्र है कि ये हमारी तरफ आया नहीं है। इसके इसके ना बहुत बड़ा काफी ब्लेड लगा हुआ है, ये देखिएगा पूरी तलवार बनी हुई है ये ना, अभी भी उसके ऊपर लगे हुए हैं वो घास वगैरह। और ये चांद भाई दिखा दें कि ये भी एक लोकेशन का ही हिस्सा है। आप जब इंटर होते हो लोकेशन के जो है वो एरिया में तो पहले ये आता है, और बिल्कुल हमारी बैक साइड पर जो है वो लोकेशन है। ये भी उन्हीं की है जगह ये यहाँ भी पर। उन्हीं की है। और चांद भाई इनके बारे में भी वो बता रहे थे कि ये जो आपको सामान नज़र आ रहा है ना, जितना भी पड़ा है,
इन में से कोई चीज़ वो जो है वो आमिल जो है उठाने नहीं दे रहा इनको, कोई भी चीज़ उठाने आते हैं, उठाने तो दूर की बात है, वो सोचते ही हैं ना, तो उनको कहते हैं कि वो डर के मारे, हमें इतना खौफ आता है कि वो बंदा हमें मार डालेगा, क्योंकि उनके ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है इस जो है। क्या हुआ इधर, कोई आवाज़ है ये पता नहीं, अंदर कोई आवाज़ सामने, सामने। क्या है ये, मुझे असल में हिलती हुई नजर आई है, ये लकड़ी मूव हुई है। हाँ पहले पता नहीं इसी की आवाज़ आई है क्या, पहले किसी चीज़ की आवाज़ आई है, फिर उसके बाद ना मूवमेंट हुई है। यार ये तीन दफा जैसे ही पीछे पहले भी करते हैं, पहले भी इसके साथ हुआ है, जब हम इंट्रो करके थे तब भी, और अभी भी दो दफा इसमें। यार सभी खुदा ना करे अगर ये आई ना उड़ के लगी, वही मैं कह रहा हूँ, जब हम पीछे मुंह करते हैं ना तभी ये जाकर मूव होती है। लेकिन फिर भी यार ध्यान से, ओए 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 ओए, ये कहाँ से आया ये, इधर पड़ा था जिधर हमने कैमरा रखा था पहले इंट्रो लगा तो का, नहीं बच गया बिल्कुल, यहाँ से गुजरा है। अभी तो ये बाहर वाला एरिया उस लोकेशन का, तो इधर ये हालात है, तो अगर ऐसे लगता है जैसे उन्होंने ना कुछ जानवर वगैरह बांधे हो, लेकिन अभी नहीं, शायद इसी वजह से यहाँ से वो ले गए हो। बैक साइड पर जो है जानवर इन्होंने जो है, अच्छा मसला इनका इन्हीं के साथ ही है, और भी साथ में जो है ऐसे ही बने हुए हैं जिन्होंने जानवर बांधे हुए हैं, ऐसी जो जगह हैं उनके जानवरों को ऐसा, अच्छा एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर भी हमें देखने को भी मिल रही है, और उनका भी बताना था, मेन जो इशू है ना यहाँ पर वो कभी कभार जो है अपना सामान वगैरह जैसे कि वो पड़ा है रखते भी हैं, उठा भी लेते हैं। मसला है इसका, ये जो लोकेशन की आपको हदूद नज़र आ रही है ना, ये चांद भाई ये नज़र आ रही है आपके कैमरे में, ये वाली जा रही है, ये हदूद है इसकी, ये जो आपको छड़ी नज़र आ, ये वाली, इसके अंदर से इनको जो है वो ना ही तो ये ट्रैक्टर खड़ा है ये निकालने दे रहे हैं, वो ना ही इनका और सामान पड़ा है वो उठाने दे रहे हैं। अभी तो असल भाई इस लोकेशन के अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या मामलात होंगे, अभी हमें ये भी कंफर्म नहीं पता कि वो बंदा इधर ही है मौजूद या रात को कहीं गया हुआ है, ये भी जाके देख के पता चलेगा। पर चांद भाई वो तो बता रहे थे कि वो अंदर ही होता है, अंदर ही उस वो जो भी अपना चिल्ला कशी करता है, और बाहर से ही लोग आते हैं, कोई हमारे वो कहते हैं एरिया के नहीं होते जो उसके साथ मिले हुए हैं तावीज़ लेने आते हैं, वो आकर चले जाते हैं, कहते हैं कि कोई बंदा उनको भी नहीं पूछता कि आप क्यों आए हो, क्योंकि इसकी दहशत इतनी है, इसका डर खौफ इतना है कि वो जो है यहाँ पर आते ही नहीं है जो मालकान इस लोकेशन के। ये क्या, ये तो ऐसे लगा जैसे कोई लीवर, इसके कोई लीवर नहीं,
ये कुछ गिर रहा है क्या? ये तो ऐसे जैसे कोई चीज गिरी है, पर यहां पर मुझे ऐसे लगा जैसे कोई लीवर मूव हुआ हो। यार इसके अंदर से आवाज आ रही है। इसके अंदर से कहीं से आवाजें आ रही। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये है वो घर। ये दिखा तो दे। एक मिनट, पूरे का पूरा हिलना शुरू हो गया। अगर सभी देखा जाए ना तो उनका सामान जो है ना जी लाखों का पड़ा हुआ है इधर ऐसे ही। तो। लेकिन ये अब चलो ये तो हो गया, वो तो पूरे घर पे जो है वो करके बैठा हुआ है ना कब्जा। जी ये पहले घर मुझे भी लगा कि चांद भी शायद काफी कोई ना, बड़ा है। यहाँ से ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ खड़ी हो सामने, लेकिन वो ना कोई कलर लगा हुआ है दीवार पे अंदर वाली साइड पे ना। अच्छा बात मुझे और याद आ गई कि वो कहते हैं कि हमने अबे ना इधर यार, इसमें अच्छी खासी मूवमेंट हुई है सभी। आवाज भी आई है। कह रहे थे कि ये जो लोकेशन माल कान है, वो कह रहे थे कि हमने काफ़ी सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो हमने यहाँ पर बुलवाए, और कहते हैं कि जब वो बुज़ुर्ग आते हैं पढ़ाई करते हैं तो ईंटें आना शुरू हो जाती है। अब ये नहीं पता कि ये जो ईंटें पड़ी हैं तब आई हैं या बाद में इन्होंने रखी हुई, क्योंकि जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है जो कि अभी रुका हुआ है ये तो उन्होंने। चलो बनता है कि एक जगह पे उन्होंने ना हाँ जी इकट्ठी करके रखी हुई ये हैं, देखिएगा चांद भाई अपने पीछे, लेकिन अपने पीछे दिखाइएगा ये देखिए हाँ ये कैसे पड़ी वाली है जो है ना बिखरी हुई। ये पड़ी है बिखरी हुई, वो पड़ी है वो आपकी बैक साइड पे भी, यहाँ पर ये देखें ये इधर भी। तो वैसे भी उनका जो है वो झूठ बोलना तो बनता नहीं है, वो क्यों हमसे झूठ बोलेंगे। तो कि पूरी की पूरी ईंटें ऐसे आई हैं बाहर जब एक बुज़ुर्ग ने यहाँ पर खड़े होकर पढ़ाई की है, तो वो बंदा अंदर ही था जिसने कब्ज़ा किया हुआ है। यार मेन तो उन्होंने इसका पीछा तब छोड़ा ना कि जब वो जो इनका है भाई एक, उसके साथ जी जो मामला हुआ है कि उसका जिस्म जो है ना, उनका बताना है कि जगह जगह से उसका जिस्म जल रहा है सारा, उसका पूरा जिस्म जो है वो हर जगह पर जला हुआ है। और एक हैरत की चीज़ बताइए, कहते पहले होता है कि अक्सर हमने जो सुना है, जो आज तक मैंने सुना है कि कपड़ों को आग लगते हुए सुना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे भाई जिस्म को आग लगती है उसके बाद कपड़े ऊपर से जलते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अंदर से, जैसे उसके जिस्म से आग निकल रही हो। हाँ और एक भाई का तो कह रहे थे कि बाजू तक जो है वो सूख चुका है। नो ये क्या है? वो मैं कहीं ईंट आई है, ये ईंट से कम थोड़ी थी, ये क्या है क्या चीज़ पता नहीं, मट्टी है अच्छी गीली? खासी वजनी जो है वो चीज़ आकर लगी है, मुझे तो ऐसे जैसे ईंट ही है। देखिए इतनी जोर से लगी है तो टूट गई है। मट्टी का मुझे लग रहा है, ऐसे कोई ढेर होना आया कहाँ से है यार ऊपर से। पता नहीं।
यार ये मुझे तो लग रहा है जैसे कोई गोबर टाइप है। तो गोबर, जैसे आपको पता है कि हम पहले भी इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुके हैं, ये जिन्नात सूखा हुआ की है। खुराक होती है। तो ये इधर कुछ आया, फिर वो नीचे तक पड़ा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत नहीं था ये। ओ ओ मेरा ख्याल है कि अंदर से अभी पत्थर आना शुरू हो गए हैं, वैसे ही ना हो जैसे उनके साथ हुआ है, एकदम से जो है वो पत्थर आए और कहीं जो है वो सर के अंदर आकर लगे। वही इसी चीज़ का मैं कह रहा हूँ यार, ख्याल रखें। अक्सर ये दोस्त हमें कहते भी हैं कि यार आप ना चल रही हेलमेट पहन लें। भाई हेलमेट पहन के बहुत मुश्किल हो है जाता है, हेलमेट, हमने कौन सा बाइक चलाना है। कह रहे ना सर्वर। ओ भाई ओए ओए ओए, होए 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 ओए, ये अस्तगफिरुल्लाह क्या है। यार, ये अंदर वाली साइड से आई है सब। भाई ये वही तो नहीं फेंक रहा अंदर ध्यान से? से, कौन है हाँ अंदर। अल्लाह अकबर, वो ही तो नहीं अंदर से फेंक रहा, पता नहीं यार, लेकिन नजर आना फिर चाहिए भी इतनी ध्यान जल्दी से। से वो। ओए ये ये तो अंदर से आई है, ये तो बिल्कुल ये सामने से, इधर से, इधर से आई है। ध्यान से चांद भाई, यार, वो अगर वो फेंके भी ना तो कम से कम नजर आए। कौन है अंदर। ओए यार, ये इधर इस साइड से ऐसे नजर आई है मुझे, इधर से गिर रही है। कौन है अंदर। ये तो जैसे हो, ये है देखिए। देखिए थराना शुरू हो गए हैं चांद भाई। क्या हुआ ओए ओए, वो सामने खड़ा खड़ा क्या सामने यार, वो बुजुर्ग है, क्या चीज थी, किसे का काले पे? स्याह रंग की, वो सामने उस कॉर्नर में, वो सामने कोना है जो है ना। ओए सर बचा कर, इधर कैमरा आगे करना इसमें, हाँ इसके अंदर, ये जो इसके अंदर करना। अल्लाहू अकबर, ये देख ये पत्थर यार, ये तो दो सभी कमरों में आवाजें आना शुरू हो गई हैं। ये इधर तो नहीं है कुछ, कोई चीज देखी है आपने कि यार मैंने किसी इंसान को देखा फिगर है? इंसान के जैसा था, पर था बिल्कुल स्याह काले रंग की वो चीज़। अब मैं कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि वो क्या चीज़ थी, पर थी कोई ऐसे जैसे लंबी कोई चीज़ खड़ी हो और काले स्याह रंग की। अब रिकॉर्ड हुई होगी ये मुझे निके। तो पता नहीं, इधर उसी दौरान जब आपने बोला है ना सभी, उसी टाइम ना इसमें मूवमेंट हुई है, मैं इसको यार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं खड़ा था, मैंने ऐसे ही देखा, वो सामने सामने ये जो है इस ये इधर कह रहे हैं आप, ये साथ वाला रूम या वो सामने जो फ्रंट है वो मेन? वो सामने फ्रंट, सामने जो है वो रूम है, क्या है उसके अंदर। अगर वो जितना बड़ा वो जादूगर बताते हैं, तो अगर वो यहाँ पर है तो वो जो भी अमलियात कर रहा है हाँ जी, वो अपनी चीज़ें तो उसकी होंगी इर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए, तो फिर शायद उसी में वही से। ना, उसने अपनी चीज़ें खुद, अगर होता ना चांद भाई वो, तो ज़रूर कोई ना कोई, जैसे अभी पत्थर गिर रहे। वो ये देखो यार, ये इसमें 3 दफ़ा मूवमेंट हुई है, और ये कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, इतना वज़नी है ये।
ये क्या हो रहा है? पहले भी दो दफ़ा हुआ है, दफ़ा आवाज़ आ रही है। मैं बात कर रहा था कि अगर वो बंदा होता ना अंदर, जैसे ईंटें आई हैं या हम जो है इस लोकेशन के अंदर हमने जो है वो कदम रखा है, हो सकता था वो बंदा जो है आ जाता पूछने के लिए और उसको पता भी चल जाता। अब ये भी मुमकिन है कि उसको पता चल गया होगा कि उसकी जो है वो, क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है और उसकी जो है बाकायदा चीज़ें भी यहाँ पर छोड़ी हुई हैं। के गिरी है ये सभी, उनकी नहीं रखी हुई ईंटें, ये गिर रही हैं यहाँ पर, पहले भी गिरी हैं। अच्छा एक चीज़ देखें, ये उसने कुछ किया हुआ है क्या है? ये देखें इधर भी ऐसे जैसे कोई दायरा बनाया हो, इधर भी है वो देखें, उधर भी। देखें फिर चले यार, ऐसी चीजें देख कर ना, ये वैसे चेक भी करो इधर देखो ये किया गया हुआ है यार, ये जैसे कि कोई घर बनाए हो, उस बंदे ने कोई घर बनाए छोटे छोटे, या कोई या ये सर जो है कहीं से यार, ये आवाज़ ये किस किस्म की आवाज़ है? अंदर देखें फिर चले यार, ऐसी चीज़ें देख कर ना, ये वैसे चेक भी करो इधर देखो ये किया गया हुआ है यार, ये जैसे कि कोई घर बनाए हो, उस बंदे ने कोई घर बनाए छोटे छोटे, या कोई या ये सर जो है आवाज यार, ये इधर से कहीं से है यार, ये आवाज ये किस किस्म की आवाज है? इसके अंदर से आ रही है यार, ये इधर भी इसी तरह किया हुआ है। ये ऐसे तो नहीं है कि इसने कोई अपनी निशानियां रखी हो यहाँ पर, कोई कुछ चीजें दबाई हो, तावीज वगैरह कुछ ऐसा? ये भी हो सकते हैं। ये क्या चीज गिरी है यार, मुझे लग रहा है सभी जहाँ तक मेरा कि उसने ना शायद ऐसे कोई निशानियां रखी हुई हैं और उनके फैमिली मेम्बर भी माशाल्लाह काफ़ी हैं, तो हो सकता है कि उन पे कोई तावीज़ वगैरह करके ना उसने हर बंदे का अलग अलग से जो है वो किया हो। ऐसे भी हो सकता है अंदर का भाई। तो हो सकता है, लेकिन बाहर फिर जो बने हुए हैं वो फिर क्यों, ओपन में तो नहीं करेगा वो, पता नहीं क्या किया हुआ है। ये क्या लगा है? अल्लाह पर यार, ये देखिएगा उधर इधर देखते थे इधर, आप जो लोग कह मुझे रहे थे इधर से अंदर से तो मुश्किल है, उधर से चलते हैं मैं कहता हूँ। इस इधर है कोई, यहाँ पर जो है वो यार कोई मट्टी पीछे लगी नीचे के दीवार यहाँ में है ये क्या चीज़? ठीक है, एक तो हम उधर खड़े यहाँ हैं वो भी ना, वो पता नहीं, खैर पीछे मुझे पता नहीं ये दीवार से, लेकिन लग ऐसे रहा जैसे ना छोटे छोटे पंजे हों ये यहाँ पे। पर जो भी ये लगा है क्या है आपको? अब तो कंफर्म, मैं अब मुझे पीछे से जैसे किसी कोई चीज़ थप्पड़ मारती है ना, बिल्कुल ऐसे ही टच हुआ है और इसी एरिया में ही मुझे वो मखलूक नज़र आई है। अब तो पक्की बात है, पहले मैंने फिगर की बात की थी कि इंसान जैसा फिगर था, पर वो थी जो है वो ही मखलूक। ये
ये देखिएगा, ओके यहाँ पर अगर ओए ओए आगे आगे नहीं जा ध्यान से, ये अल्लाह अकबर यार, इधर चले तो सही, इधर आओ, इधर भी है ना, इधर से आ जाए। हाँ इधर से, उधर से काफी जो है गहराई है ये। क्या इधर ये देखे यार, इधर भी वही बिल्कुल सेम जो है वो बना हुआ है। वो बंदा इधर नहीं मौजूद और यहाँ पर ये सारा कुछ ना करके हुए 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 हुए। अब ये देखो ना, ये क्या है, क्या बना भाई, ये भी ऐसे छोटे छोटे जैसे घर हो। यहाँ पर चांद भाई मुझे ना, मैं यही कह सकता हूँ कि इधर इसी जगह पर जो है वो मुझे मखलूक नजर आई है। अच्छा, आपने उधर से जब देखा है ना, मुझे आपकी तरफ कैमरा नहीं था मेरा, तो मुझे नहीं पता कि आप एकदम से पीछे गए हुए हैं। आप किस तरह के, आप बता वो रहे मुझे हैं पीछे ब्लैक ब्लैक कलर का जैसे कोई बहुत बड़ा फिगर हो। अब मैं आई थिंक यहाँ तक, तो यहाँ तक था उसका जो है वो हाइट, जो उसका हाइट। सर है ना यहाँ पर। अभी पीछे क्या है, ये पीछे करना लाइट यार, ये वही चीज़ मुझे लगा है जैसे आपके पीछे आकर खड़ी हो गई हो ध्यान से। यहाँ पर ना ये ब्लैक कलर के फिंगर के निशान है, शायद इंसान, किसी इंसान के हो। ये भी गोबर है वैसे ही है, ये देखें। कह रहा हूँ पहले एक दफ़ा ना सारी लोकेशन देख ले, क्यों बंदा के इधर ही, वही तो नहीं, इधर यही तो नहीं वो सो इधर रहा, कुछ गिरा है, यही तो नहीं लेटा हुआ, सिर्फ बिस्तर ओए पड़ा है ओए या ओए वही जूते भी जो पड़े हैं, चप्पल बड़ी है इसके नीचे कुछ जूते सो रहा पड़े है। हैं। ठीक है, इधर भी कुछ गिरा है ना ध्यान से यार, अगर वहां पर लेटा हुआ है तो इतने ही हो रहे हैं शोर वोर, तो बिल्कुल नहीं हिल रहा, मुझे तो लगता है वही है। कोई और तो नहीं। अच्छा, ये तो वही वाली साइड है, सुनूंगा कुछ नहीं। और आपने बात की है ना कि हिला क्यों नहीं, अभी पीछे कोई चीज़ गिर गई है, हम जो है बैक साइड पर आ गए, वहाँ पर हुआ शायद आपने वो जो है वो नोट किया या नहीं किया, उसने ना हिसार किया हुआ है चार पाई के ना इर्द गिर्द जो है वो लाइन लगा कर गोल, बकायदा गोल दायरा लगा हुआ था, देखेंगे ना दोबारा, उसके अंदर वो सो रहा है। जहाँ तक तो अभी मेरा अगर जो है वो दिमाग काम कर रहा है, हो सकता है कि वो हिसार के अंदर सो रहा हो और उसको कुछ भी नहीं पता। जब बंदा पढ़ाई करके हिसार के अंदर होता है ना, तब चाहे अक्सर चांद भाई आपको पता होगा, हमने और भी जो है आमिल ऐसे ही हमने देखे हैं, पकड़े भी हैं, जो कि चिल्ला काट रहे होते हैं,
हम पूछते हैं, बुला रहे होते हैं, कोई नहीं बोलता। जब हम उसकी कोई ऐसी चीज़ को छेड़ते हैं या उसको उठाने की कोशिश करते हैं चिल्ला तोड़ने की, फिर वो उठते हैं। हाँ सभी बिल्कुल ऐसे ही है। आगे हमने अमूमन ऐसे जो है वो पकड़े हैं बुज़ुर्ग और देखे हैं जो ये जो करते हैं ना काला इल्म, जी इनका कोई ऐसा होता है कि ये जब कुछ पढ़ाई कर रहे हो ना, अब इनके पास खड़े होकर इनको हिलाओ तब भी नहीं हिलते, ये अपना उस काम में मगन रहते हैं कि जैसे ऐसे हमें ही लगता है कि यार ये सुन नहीं रहा, इसके कानों में इसको आवाज़ नहीं आ रही क्या। मुझे लग रहा है ऐसा ही कोई सीन है उसका भी, देखते हैं फिर उसको उठाते हैं। हाँ और तो हमें किसी रूम में नहीं नजर आया ना कुछ भी। नीचे से वो देखिए ये कहीं उठ सर कर सर देखता तो पता नहीं रहा। नहीं वो सर नजर आ रहा क्या है वो। मैं कहता हूँ देखता रहे जैसे। ये बिस्तर कहाँ से लेके आया? वो लटका हुआ है, उठ कर बैठा हो। ये देखिए यार सभी आपके पास सही है, ये मैं देख कर वो गया हूँ दायरा पहले। लगा हुआ है यार मुकम्मल तौर पे, इर्द गिर्द जो है ना उस बंदे ने पूरी लाइन लगाई हुई है। यार ये नीचे का ना, यहाँ पर भी ये देखिएगा जैसे कोई कुछ चीज़ दफन की है या क्या है इसने, क्या है ना नीचे। हाँ यहाँ पे ये कुछ है, ढेरी लगी हुई है। ये देखिएगा तो चारों साइडों पर ये वो उधर कुछ आया, हेलो। अच्छा ये और इसकी आवाज़ है, ये आवाज़ तो मुझे किसी और डायरेक्शन से लगी है। यार हम इसे बुला रहे हैं, आवाज़ किसी और चीज़ की आ रही है। बाबा हेलो बाबा जी। अरे क्या क्या है? अजीब सी आवाजें आना शुरू बाबा जी हेलो। हेलो हेलो अब्बा जी, अब्बा जी इतनी इज्जत से तो हमने, चांद भाई इतनी इज्जत से तो मैंने आपको नहीं कभी बुलाया, ये फिर भी नहीं सुन रहा। जी करके बुला रहे हैं। ओए हेलो यार, मेरे करीब से आवाज़। ये क्या है? ओए ओए यार उसमें पॉप इसके अंदर पाँव ना रखना, इसके अंदर तो ये पाँव आपका अंदर आया, पाँव पकड़ कर मार रहा है। वो इसीलिए तो इतनी तसल्ली से सो रहा है वो, ओए 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 पता मरा ही तो नहीं पड़ा हुआ। नहीं क्या है। ओए बाबा हेलो, ओ बाबा तो जी जी कर ही जा रहे थे ये तो। ओए क्या एक मिनट, इधर इधर चांद करना।
इधर ही आप रुक रहे, मैं उधर से जा कर ना। बाबा चांद भाई, इसके पास कुछ है, ओए हेलो, इसके पास कुछ है, दूर रहना, कौन दूर रहना इससे। यार ये अब उठा है, बिस्तर के नीचे से कुछ चीजें भी निकली हैं। कौन? मैं क्या कर रहे हो यहाँ पे चांद भाई? घर से बैठा हूं। चांद भाई हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, इसके पास चीजें हैं कौन सी? यार ये मेरे। ओ बाबा ये क्या क्या यार, इधर भी यार भाई ध्यान से की कर रहे थे बाबा? मैं घर से बैठा हूं, तुसी कि कौन? ये आपका घर नहीं है? नहीं, मेरा घर है। तुम चल किस, बाबा इतो, क्या उठ शाबाश, चल चल। क्या ओए ओ, ये कुछ फेंक रहा, सब पीछे रहना। मैं इधर आ गया हूँ इसलिए, मुझे, मैं समझ गया हूँ, मेरी सांस अंदर कोई चीज चलेगी, गली के गले के, ये फेंक रहा है कुछ चीज यार भाई, ये और फेंके ये जा कुछ रहा है कुछ चीज भर पढ़ के। पढ़ के फेंक रहा है यार। होए 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 होए, यार यार ये कर क्या रहा है? बाबा ड्रामा ना कर, यार ये क्या कर क्या रहा है? ये पत्थर भी आ रहे हैं। चांद भाई हाँ जी, हाँ जी, यार पुलिस को फोन करो। यार ये जो फेंक रहा है ना, इससे बचना ही हो। मैं चांद भाई पहले ही समझ गया हूं, जब मैंने बिस्तर खींचा है ना, जो चीज मुझे फील हुई है। ये ओए ओए ओए, ये कुछ चीज उठा रहा है, देखना चांद भाई मैं अंदर हूं। क्या कर रहा वो है? नीचे से कोई चीज निकाल रहा है, इसके पता नहीं, पास कोई मट्टी पिस्तौल मट्टी उठा रहा है, मट्टी मट्टी। वगैरह या कोई ऐसी चीज ना हो इसके पास। ये नीचे क्या कर, इसको यार यहां तो पकड़ो ध्यान। मरोड़ दूंगा, ओ ये क्या पकड़ा है इसने? ये मरोड़ दूंगा। क्या कर रहा है? मैं ओए तुम्हें चांद भाई हेलो, क्या है इसके हाथ में? वो ये तो वही वही जिसके ऊपर ही इसने किया हुआ है, उनके वो तेरी, लोकेशन के उन नहीं जो नहीं बता नहीं रहे थे नहीं उनके। इसे ओए नहीं कुछ करना। हेलो ओए ना कर, नहीं कुछ कहते तेनू, ओए नहीं, नहीं कुछ हम कहते, जा रहे हैं, नहीं इसे नहीं कुछ कर, नहीं इसे मरोड़ ओ यार हम दूंगा। जा रहे नुकसान हैं हो रहा है यार। चांद असभी भाई, ये उनका नुकसान का, मरोड़ दूंगा। नहीं कुछ कह रहे तेनू, असं एवे कर रहे, मजाक कर रहे, असं नहीं कुछ कह रहे तेनू, अस जा रहे हैं, अस जा रहे हैं, चले जाओ, हाँ जा रहे हैं, इसे छोड़ दे, इसे मेरी नहीं कुछ हमारी करना। बात सुनो, मेरी बात सुन लो, हम यहाँ पर ना ऐसे ही आए, वीडियो बनाते हैं ऐसे ही, तो वो हम बना रहे थे, आपको कुछ नहीं कहने हैं, छोड़ दें इसे आप, इसे छोड़ हम तो दो ऐसे बस घर की, हमें अच्छा लगा, हम बनाने आ गए, इसे आप रख दे मरोड़ यार, इसे रख दूंगा दो, हम नहीं कुछ भी नहीं कर रहे यार, इसे नहीं कुछ, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, छोड़ दो मरोड़ इसे, दूंगा यार ये चांद भाई वो इसे या मरोड़ और ये दूंगा। यार भाई इधर भाई गाल सुनो, इन्हें छाड़ दे, इन्हें गाल छाड़ सुनो दे यार, ऐसे नहीं कुछ कर दे, और ये छोड़ दो इसे, हम नहीं, हम जा रख रहे दे, हैं, नहीं थल्ले रख दे, छोड़ दे, थल्ले छाड़ दे, रख इन्हें दे, अस चल रहे हैं, छाड़ दे, अस चल रहे रख हैं, दे, जा रहे हैं। अस चल रहे हैं।
आज यार चलिए आज जी। अच्छा गल तो कर सकते हो ना साढ़े ना कुछ नहीं असं कहते एवं मजाक कर रहे थे हम कुछ नहीं कहते आपको ये आपका ही है आपका हम नहीं कहते किसी का है आपका ही है उन्होंने कब्जा किया हुआ है आपका ही है ना ये घर उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो गलत है आप ठीक है ऐसे ही है ना असल भाई मुझे लग रहा है कि इसका ना थोड़ा जहनी तवाज़ुन भी नहीं ठीक मुझे जो फील हो रहा है सब बोलो नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहे वो कर रहे हैं भी मैं उनका कह रहा हूँ कि जिनका घर है उनका मुझे लगता सही नहीं है वो लोग तुम्हारा घर है तुम्हारा ही है बिल्कुल तुम्हारा है ना हमारा घर है हम तुम्हें लेके देंगे जी ते तुसी सानू दस सकते हो असि तुहाडे नाल हां जी तुहानू लै के दिने जो भी तुहाडा ही ए की कर रहे ओए ये मत करो आप जो आप कर रहे हो तो चीजा चूजा जो लाइट में आज बाबा आड़ी चीजा वगैरह ने इन्हें मना कर असी ना मुझे लगता है इसकी नजर कमजोर है इसको नजर नहीं आता सी लाइट फैल रही आंखों शायद इसके ये दे दे नहीं असी कुछ कर रहे हैं यार असी चल रहे हैं ओए हेलो यार ओए बाब ओ बाबा ओए ओए ओ नहीं ओए ओ छोड़ दे ओ तेरी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे फट जा बच गया बच गया कुछ कह रहे हैं चले जाओ ओए 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 उस भाई बच गए हो मैं बच गया मैं ओए की करना यार इधर आ इधर आओ यार आहिस्ता बोलना थोड़ा बड़ा तेज बंदा है यार उसने आपको गिरा मेरी बाजू रहेगी इतना जान इसके अंदर से ये जो है ना ये एरिया पकड़ कर इसने दबा दिया मेरी बाजू दिखने लगी इतनी जान है यार इसके अंदर मेरा इसको ना मेरी बात सुन मैं कहता हूँ इसको हम कोई भी कहानी वगैरह डालते हैं ऐसे ऐसे कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं इसको एक तो दायरे से बाहर ले आओ दायरे के अंदर जा रहा है यार इसका दायरा ख़त्म करते हैं या तो पढ़ाई करो उसे कुछ पहन के जा रहा है पहले जा रहे जो इसके पास वो है ना पुतला उसको बचाना है इसको पकड़ो पुतले को हम देख लेते हैं ठीक हो यार बहुत जोर से बनाया छोड़े भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम अपने आप को देखें इसको पुतला अच्छा बाबा गल तो सुन इधर आ असी तेन कुछ नहीं कहने गल सुन आ जा घर ले आना आप उन्होंने को जाके लेने आ जा आ जाओ आ जा बाहर आ जा यार इसको छोड़ देना फेंक दे मेरी मंजी भी ले चलो
अभी ले चल दे। ओए इसने पूरा इसके अंदर किया हुआ है। पहले दायरा खत्म कर फिर चुक दे उसी मंजी। सब चुप दायरा खत्म कर यार। ये इस पर यकीन ना करो चांद में यार, मेरा हाथ गया। ये पकड़ यार आपने उसको। मैंने कहा इसको मैं दायरे से निकालता हूँ बाहर। पीछे इसको खत्म करो, हम मंजी ले जाते हैं। खत्म हो। इसको ना पकड़ लो, पकड़ लो इसको दोनों। मैं पकड़ हम बैठ के ना फ्राई करो। आ जाओ दोनों, आ जाओ। चलिए चल। अच्छा चकली मंजी फड़ 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 पकड़ ले पकड़ ले। पकड़ पकड़ इन अस भी पढ़ाई करी। लोकां ते जुल्म करदा है। तेनू तां मैं छड्डदा इधर आ। दस यस में जान ध्यान। चीजें बुला रहा है चार भाई। इसको पकड़ लो सब, इसको लेके चलो। खुद पे पढ़ लो अच्छे से। नहीं कर सकता ये कुछ। हाँ करेगा सब कुछ सही। हाँ तेनू सेट करा। हाँ बोल। हाँ नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। वीडियो बंद हो गई। दोबारा चल पी। ऑन है दूसरा चल रहा है ना। हाँ चल रहा है। इन लैके चल यार, मगर ना वीडियो छोड़ो, इहदा काम करिए पहले। पकड़ो इन लै चलो। मैं हाँ वीडियो बन रहन दो, तुसी कैमरा ऑन रहन दो। बाहर तो लैके चलना इतो। ओए उपर चीता बुला लिया इन्हें। उपर बुला रहा उपर की गया यार। ये ऊपर से बुला रहा है यार। पर कुछ चीज बैठी ऊपर। आ जाओ दवाई पढ़ लो अपने ऊपर भी। यार इसमें जान बहुत ज्यादा हो रही है। वही ना, इसके अंदर चीजें हैं, जो भी है ताकत है इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ सब भाई वीडियो को छोड़ो, इसको लेके चलो। पकड़ो इसको, इसको पहुँचाए उन बंदों के पास। पढ़ाई करके सार इसको ना वहाँ पे बांधते, फिर देखते इसका क्या करना। बंद कर दो फिर। हैं मैं कहता हूँ कर दो बंद, इसको लेकर चलो ना। यार नहीं अकेले लेके जा पा रहा मैं बंद कर दो फिर इसे। बहुत जान है इसके अंदर। बंद कर। अच्छा तो आप दोस्तों को बता दें, उस बंदे को तो हम लोग छोड़ आए हैं उधर उनके घर। बाकायदा उसको ना दायरा कड़ा करके उसमें उसको बांध के अच्छे से और उन बंदों के हवाले कर दिया है। अभी उसका देखते हैं हमने क्या करना है, आगे क्या सीन है। तो लेकिन अभी हमें ये मामला चांद भाई पहले से ना जो है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि वो जैसे से चीजों को बुला रहा था ना, वो तो हमारी बचत इस वजह से होगी पढ़ाई कर ली। मुझे उसी टाइम ना सूझ गई ये चीज के, यार अगर ये पढ़ रहा है अपना अमल कर रहा है तो उसके साथ ही मैं अपना अमल शुरू कर दूं, मैं पढ़ाई करने लग जाऊं तो उसमें कोई बचत होगी, वरना अस्तगफिरुल्लाह। ओए सिर पे चाहिए अस्तगफिरुल्लाह। यार ये ना वो ये ऊपर से मट्टी भी गिर रही है।
बिल्कुल, जिस जिस जगह हम मौजूद हैं बिल्कुल हमारे करीब मुसलसल जो है एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं। और एक चीज़ नोट किया आपने सभी, आपको भी अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का कि उसमें ऐसे था ही नहीं कि जैसे एक इंसान हो, मुझे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई मखलूक, उसके अंदर मखलूक हो ना जैसे कोई उसके अंदर, इस तरह से मुझे लग रहा था। और ये कि उसने आपका जब गला दबाया, यार मैं पता नहीं कितना जोर लगा के उस बंदे को पीछे लेके गया हूँ मैं, पीछे पीछे गिरी है भाई। जब मैं ना बच गया, ये तो मेरे लगनी थी। मैं चांद भाई बार बार क्यों उस वॉशरूम में जा रहा था, मुझे जब मैंने उसके ऊपर से वो जो है वो हटाया ना, ऐसे ही जो है वो बिस्तर, अंदर से कोई चीज़ निकली है, वो तो निकला ही निकला है, उसके साथ कुछ चीज़ ऐसी निकली है जो कि मुझे महसूस हुई है, तो इसलिए मैं पीछे भाग गया। मैंने कहा कुछ ना कुछ अब हो जाएगा अगर मैं इधर खड़ा रहा तो, या वो चीज़ मेरे अंदर आ जाएगी, तो मैं उतर गया हूँ और वो ही बात हुई, वो मेरे पीछे आ गया। और यार वो मुसलसल पढ़ के कुछ फेंक रहा था, पता नहीं क्या फेंक रहा था, मैं उस चीज़ से बच रहा था कि पीछे हो जाओ, अगर वो पढ़ के फेंक रहा है हम पे लगती है, पता नहीं उसका क्या असरात हो, क्या बीती है हमारे साथ। और जब उसको मैंने पकड़ के पकड़ा है ना, पकड़ के इधर गिराया है, ध्यान से ये इसी जगह पे आपने उस चीज को देखा था, ये वही बात। हाँ वही वही अकबर ध्यान से बच गए, बच गए यार, लेकिन ना फिर भी अकबर मैं ध्यान से बच गए, तो नहीं लगी है? नहीं, कमर गई यार, यार ये हड्डी पे आग लगी है, ज्यादा तो नहीं लगी, बच गया बस। यार भाई क्या हो रहा है, बोला पहले से ज्यादा मामला बढ़ गए, मुझ पे अटैक करना शुरू हो गया, क्या पकड़ा है मैंने, क्या उस वजह से, क्या यार। असल भाई उसको ना काबू करते हैं इससे पहले कि हमारे साथ कुछ ऐसा मामला हो जाए। और हम ये इधर देखो यार, ये देखो, अच्छा ये तो बताया नहीं हमने, जो अभी जैसे उसने इसको पकड़ा हुआ था, हाँ जी, तो उस टाइम ना उनका ये बताना है कि ये जो जो भाई है, वे एक मिनट रुकना, असद भाई ये चेक करो, क्या ये ऊपर क्या जलने के निशान है, क्या है वो देखो। ये मैंने पहले आपको बोला ही था, जब मैंने इसे उठाया था तब मैंने आपको बोला तो ये जला हुआ है, जैसे वो बता रहे थे ना, मैंने उस बात पर गौर नहीं किया, जलता है, लेकिन उस टाइम मैंने गौर नहीं किया, मैं तो अब देख रहा हूँ। और जैसे ही आप भाई को देखा ना आपने, उसने बाजू दिखाया, बाजू के ऊपर वो निशान है जैसे इसके ऊपर निशान है, तो ये तो ओए ये क्या है, वो किधर, वो पुतला किधर गया, दरवाजे में तो मैं खड़ा हूँ यार, ये पास पड़ा, ये अभी
इस मिट्टी के अंदर तो नहीं चला गया? अल्लाहु अकबर यार, ये क्या हो गया? अभी हम इसके बिल्कुल ऊपर सामने पड़ा है यार, इधर पड़ा है इस जगह पे, उसी के मुतल्लिक बात करें। और यार अब इतने टाइम से हम गए हुए हैं, तब वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, उधर तो क्यों एकदम से? इसके अंदर तो नहीं है यार, कोई चीज नहीं है यहाँ पे, ये क्या पड़ा? ध्यान से, नहीं है यार इधर। गया ये इधर भी, ये यार ये आंखों के सामने से एकदम से गायब हो रहा है। और ये चेक करो, ये इसके अंदर दबी हुई थी, ये किसी बच्चे पे किया हुआ क्या? ओए अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यार समय से बाहर है, इधर पड़ा है, आपके पास पड़ा है सामने। मैं ये तो आ तो फिर भी दूर थे, मेरे पाँव में यहाँ पर पड़ा था, यहाँ मैं खड़ा था, ऐसे दिखा रहा था, कभी आपकी तरफ कभी नीचे। पहले सवाल तो ये पैदा होता है ना, जब हम बाहर थे तब क्यों नहीं गायब हुआ? इतना टाइम हो गया हमें, को 20 से मिनट से ज्यादा, या उसकी हमने कोई ऐसी चीज नोट कर ली है जो कि उस मखलूक, उस जिन्नात को जो है वो ना लगी हो अच्छी, शायद कोई ऐसा राज जिसका हमने बोल दिया हो तो उसने उठा लिया हो कि इनको पता अच्छा, चल गया। हाँ उस इसी के बारे में बात कर रहा था ना, उस बंदे पर जैसे जिस्म में हमने निशान देखे हैं, उसके सारा जिस्म ऐसे ना गोल गोल ऐसे बने हुए थे, जले हुए सारे ना। एक तो उसने बाजू दिखाई है अपनी और टांगे देखी है मैंने, बाकी जिस्म नहीं देखा। लेकिन इस पुतले पर जितना गौर किया ना मैंने, इसके ऊपर पूरे जिस्म पर ही उसके निशान है। और दूसरी चीज बता रहे थे कि वो अभी कुछ लम्हात पहले उनका बता, ये क्या है? ऐसे कुछ चीज आई है, ये कोई है? ये कौन था? जैसे किसी का ना गला दबाया, मुझे तो इस तरह की आवाज आई है। और अभी इसी के मुतालिक बात करने लगा हूँ कि यार उनका बताना, अभी चंद लम्हात पहले ही ना हमारे भाई पे जिसका जिस्म जला हुआ है, उसने अपना एकदम से गला पकड़ लिया, कह रहा है मेरा कोई चीज़ गला दबा रही है। और आपने नोट किया, इसने उसका गला ही पकड़ा हुआ था ऐसे ऐसे ही बिल्कुल, कि मैं मार दूंगा, गले को ना खींच रहा था, बाजुओं को खींच रहा था। और हमें इस चीज़ का तो पहले से ही पता है, ये जो काला जादू करते हैं ये ऐसे किसी इंसान का स्केच बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, उसके बाल या कोई चीज़ लेकर ना तो उसके अंदर डाल के फिर उस पर जो भी वो अजियत देते हैं ना उस पुतले को, वही इंसान को मिलती है। अगर कोई सुइयां पुरोए तो उनके सुइयां चुभती हैं, कोई कट करें उस चीज को तो उसकी कट होती है। और बाजू का भी उसका दूसरे का मसला बना हुआ जो आप बता रहे थे भाई का। हाँ एक बाजू छोटा और एक बड़ा। ओए ओए अब इसका क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। ये जानो ये सुराखों में देखे तो, ये जो सुराख बने हुए, साथ वाले जो रूम है उनमें देख ले, उधर ढूंढते हैं फिर। जितना मुझे पता है ना, इस लोकेशन से बाहर नहीं वो चीज आ सकती। आपका बोलोगे? नहीं मैं तो इधर हूँ।
किस किस्म की आवाज है यार ये गधे की, इतनी भयानक आवाज, इतनी ज्यादा आवाज और अजीब ही तरीके की है। ये बैक इस गैलरी में देखे दो, पीछे बैक साइड पर। हाँ ये बैक साइड जो गैलरी बनी है, ये क्या है इधर? गड़ा, यहाँ पे भी कोई गड़ा खोदा हुआ। अच्छा ये शायद ना वो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो वो लगाते हैं ये बांध। ठीक है, आवाज 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 आई है ना। लेकिन इतना कंफर्म है कि वो चीज ना इस लोकेशन से बाहर नहीं जा सकती। भाई इससे बाहर चलेगी तो वो तो असर ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस चीज़। फिर उनका जो है इस लोकेशन पर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, जो है वो इस लोकेशन के अंदर ही। ढूंढनी पड़ेगी। बहुत हैरत का मामला है यार, दोनों के बीच में से हम दोनों खड़े हैं, हमारे बीच में वो चीज पड़ी है और एकदम से वो गायब हो रही है वहां से। अच्छा ये ऐसा तो नहीं है कहीं ये जो छोटे छोटे घर से बने हुए हैं क्या चीज, इनके अंदर तो नहीं कहीं शिफ्ट हो गई? ईंटें उठाकर देखें तो यार ये आपका ही हाथ है पीछे इधर का ना, ये आपके ये क्या, कौन है बाहर? यार ये जितने भी बाहर ये बांस पड़े हैं सारे के सारे जो है वो हिलने शुरू हो गए। ये क्या, ये कौन है? औरत की आवाज आ रही है यार। आपके पीछे ये फिंगर्स भी बनी हुई है, पता नहीं उसकी नहीं आपकी है क्या है जिसको पकड़ा हुआ था। कौन है? यार ये क्या था यार, इधर से मुझे आवाज आई है कहीं से ना, फिर से गधे की आवाज आ रही है। हमें पहले यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है, उस दौरान से ये आवाज नहीं है और अभी सर्दी यार फटने लग गया है। इधर आना चाह भी किया क्या हुआ है? ओए मुझे वो दीवार के ऊपर से कोई चीज झांक रही थी। किधर? ओए यार इधर पीछे भी है। ओ यार असद भाई उधर कोई चीज थी। किधर है? ओ यार उधर से मुझे मुंह नजर आया किसी चीज का, वहां से कोई चीज जो सामने बने हुए वो सुराख से वो वाले। हाँ किस किस्म की थी क्या? मुझे नहीं पता यार, कोई भयानक सी शक्ल अजीब सी, मुंह अकेला नजर आ रहा था इधर से। यहाँ पर? ओ नहीं यार ऊपर, इधर दीवार के ऊपर, इधर इस जगह पे।
अल्लाह अकबर। इस जगह पे यहां से ये ऊपर से दीवार से अकेला मुंह था, और इतनी ऊंची हाइट कैसे हो सकती है यार उस चीज की। यहां से ना सब ये अकेला मुंह नजर आया मुझे ऐसे यार, एकदम से देख के तो मुझे वैसे ही अकबर, मुझे हैरत इस चीज पे आ रही है, इतनी बड़ी चीज अच्छी खासी हाइट बन रही है यार। रिकॉर्ड हुई है? मुझे नहीं पता यार, मैंने कैमरा शायद किया था उसी तरफ। मुझे ये यार इनमें बहुत दफा मूवमेंट हुई है। ये अच्छा, इस रूम के अंदर जितनी दफा मैं जाने लगा हूँ ना, अंदर कोई ना कोई चीज गिरी है। इस रूम के अंदर चांद भाई मुझे भी नजर आई है, वो लोग रात को भी जो है वो यार वो पुतला चाहिए, पुतला ये देखे, इधर भी गोबर पड़ा। अल्लाहु अकबर, ओए यार ये इंटे और ये तो कम से कम एकदम से उड़ के गिरना शुरू होगी। इधर ही तो नहीं है वो पुतला? मुझे लगता है आपको वो चीज जैसे कंफर्म आपने किसका नाम लिया है अभी आपने के इधर हो सकता है। मैंने ये बोला कि मुझे पुतला चाहिए हमें, और मैंने ये गोबर का बोला उसके बाद। शायद जैसे आपने कोई ऐसा कोई नाम जरूर लिया जिससे उस चीज को बुरा लगा है, शायद आपको पता चल गया वो पुतला किधर है, और एकदम जो ईंटों की जो है बारिश कर दी उस चीज ने। तो ये तो नहीं, इस जगह पे तो नहीं आ गई क्या? इसको डांपा हुआ ऊपर से किसी चीज से, इसके नीचे तो जस्ट ईंटे हैं। पीछे पीछे भी किधर आके गिरा, क्या गिरा? ये पत्थर आए सर बचा कर। ये इधर करना, ये क्या, ये देखिएगा इसके नीचे कोई, ये इधर हो सकता है चांद भाई, ये क्या है सुराख है। और लेकिन ध्यान से ना, ईंटे भी इसके अंदर ही आ रही हैं। ये तो बहुत ही नीचे जा रहा है। चार पांच ईटे इधर से उठो यार, यार इधर से उठो। बस एक मिनट यार, यार इधर से निकलो। पाँव के पीछे लग गया, याद तो नहीं लग गई यार, तो तीन ईंटे आगे लगी शोल्डर पे। हंसी मेरी ना, मुझे क्यों लग रहा है कि यार पुतला इधर ही है कहीं। मुझे खुद ये देखे ना, मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखे कितना सुराख है नीचे गहरा, और पत्थर पहले ऊपर पड़ा था, जैसे ही मैंने पांव लगाया नीचे चला गया। ये देखे वो उसके नीचे और भी पत्थर है, देखने कोई सांप वगैरह भी ना हो।
जो साथ वाले रूम में कुछ और है यार, भी साथ वाले रूम में सारी सारा पतला यार। ये मैं देख रहा हूँ जैसे उतर ईंटें गिर रही है मुसलसल, क्या हो रहा है ये। इस रूम के अंदर जैसे कोई बहुत सारी ईंटें फेंक रहा हो। कोई समझ नहीं आ रही यार किधर है यार। ये मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही, ये ऐसे यार मुझे लग रहा है ये जो है ना ये पड़े हुए बांस वगैरह ये शायद इसके अंदर जो है वो अक्सर होते हैं ना ऊपर वो रख के बड़े बड़े जो लकड़ी के पीसेस होते हैं उनको रख के तो करते हैं वो, देखे ना मुझे वहां से पता चला वो देखे एक लाइन में। अच्छा, इसके इधर भी ऐसे तो। अच्छा ये क्या इधर आना, वो तो ठीक है आपके पास। ये देखे गोल दायरा, ये उसने कुछ किया होगा या कोई चीज तो नहीं उठाई यहाँ से, कोई ड्रम वगैरह पता नहीं। तो ये जो है ना चीजों का यहाँ पर होना, जिस तरह ये प्रॉपर ये है ना सर्कल, बड़े ये कोई ड्रम वगैरह उठाया होगा कि नीचे भी कुछ हो सकता है यार। ऐसे बातों कर बातें करने से तो कुछ नहीं होगा, इतना फट रहा है और नीचे से टांगे मेरी ना जैसे कांप रही हूँ, बस हो रही है पता नहीं क्या अजीब सी हालत हो रही है मेरी। मैं कह रहा हूँ बातें करने से तो कुछ नहीं होगा, बातें तो नहीं यार सब उस टाइम से ढूंढ रहे हैं नहीं कहीं किसी जगह पे, इनके नीचे कांच खिला गया होगा। मैं कह रहा हूँ उसकी खबर ले ले, वही ना फरार हो गया वो। वही तो नहीं कहीं उठा कर ले गया, गायब तो हमारे बिल नहीं, नहीं। सामने हुए। खा तो नहीं सकता, वो आता तो हमें नजर आता कहीं। वही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ऊपर हम खड़े हम थे। दोनों आप दरवाजे के अंदर खड़े, इधर मैं खड़ा हूँ पास है हमारी नजरों के सामने वो चीज जो है गायब हो रही है। ओए ओए अस्तगफिरुल्लाह ये क्या है? ओए किधर से उसके पुतला आ गया, उसकी टांग तो देखो, टांग और जली हुई है, क्या है ये? ये तो ओए उसका बाजू, ये तो नहीं कहीं उसको तोड़ कोई नुकसान कर दिया है उस चीज ने और उसको दोबारा वापस फेंक दिया नकारा करके। यार ये क्या, अच्छा भाई इसे कैमरा ना हटाना। यार ये ना मुझे जहां तक लग रहा है एक्टिविटी इसीलिए हो रही है कि हम ना इससे ध्यान जो अपना वो किसी और तरफ करें, इसका जो है ना अमल करते हैं इसको यार, इसका असर खत्म करना है। कैमरा जिधर भी हो नजर मेरी इधर ही होगी, अब जो तरीका में बताया गया है उस पर अमल करें। हाँ वही करना पड़ेगा। फिर
करूं इधर इसी के इर्द गिर्द दायरा, इसको हाथ तो नहीं अभी लगा सकते ना। ये बढ़िया करीब से देख ले, ये देख जला हुआ है सारा जिस्म। सफाई कर ले इसके, मैं तो गिर जाए ना हटाना पहले। यार मेरी लत गई। ओए 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 ओ मैं पेट गया, पेट गया यार मेरा। ओ यार पुतले के ऊपर लेट गए वा यार। यार ऊपर तो उठे पेट ये यार इधर से उठ जाए, ये चीज चली इसके ऊपर लेट गए हैं जाके, इधर हो जाए साइड पर। चलो ना गायब हो जाए फिर से। ठीक है भाई हैं, टांग यार वो बहुत भारी है। ये क्या यार, ये वाकई ना मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ और एक हाथ से हो ही नहीं रहा यार। उसका ध्यान करना, मैं तो देख रहा हूँ इसको, ये ना जाए यहाँ से। टांगों की ना जो पता नहीं कहाँ कहाँ पे चोटें लगी हैं। मैं जब गिरा हूँ ना मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ चीज अंदर मेरे पेट में चली गई और जैसे सारा पेट जो है ना जल रहा हो। बिस्मिल्लाह। अब इसको इसका क्या करना है, ये फिर ना कहीं आगे पीछे हो जाए। ये भी उठा ले, इसको मैं कहता हूँ ले चले साथ। दायरा करके ना इस पे पहले प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं वही तो करने लगा था यार, अभी वहां पे लिशान से यार ये मैं गलती की के पहले मैं दायरा करके पढ़ाई करता हूँ, लेकिन ना तो अब ये बाहर जा सकता है ना वो चीज़ अटैक कर सकती है मुझ पे।
यार ये देखना, इसको मैं क्या नाम बंद ही करते। ये देखना ये टांगे मैं कह रहा हूँ इससे भाई इसको मैं बंद ही कर दूँ। हाँ बंद कर दे, आप अपना आराम से जो है पढ़ाई करें। पढ़ाई करें आप ध्यान से सर बचा कर। जैसे ही मैंने इस पे पढ़ाई की है, अभी इसको हाथ लगाया ना, तो उसी टाइम से मामला जो है वो रुक गए हैं। क्या कोई चीज अभी मौजूद है यहाँ पे? मुझे लगता है सभी वो ना इसका असर खत्म हो चुका है, वरना आपको पता है आपने जैसे इसको हाथ लगाया था और आप पे कैसे अटैक हुआ है। यार मेरे ना टांग में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, ये देखो यार ये सारा उसने ना जलाया हुआ है। जैसे जैसे उसने इसको जलाया उसी तरह से उस भाई का जिस्म जो सारा जला रहा है। चले उसको भी देखें, पकड़े उसका भी, करें इंतजाम जो करना है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर देख लें, 2 मिनट रुक के मैं दायरे से बाहर होके देखता हूँ कि कोई इसको पकड़ के तो नहीं।
अगर कोई चीज यहाँ पे मौजूद है तो अपना आप जाहिर करे। क्या यहाँ पे कोई है? चले फिर चले। उसको जाके ना बकायदा बाकी उन्हीं बुजुर्गों के पास ले चलते हैं, उसे भी और इस पुतले को भी, जो बाकी प्रोसीजर होगा खुद ही करेंगे वो। सही। चलो यार mm